हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड क्लासेस में। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझाया था, आज मैं आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घटते क्रम में। असेंडिंग में मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड काउंटिंग लेनी है, लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आपको बैकवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट करना होता है, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसमें आपको जब भी बच्चे को डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना है, इस सीक्वेंस को आप उसको पहले प्रैक्टिस करवाएंगे कि बैकवर्ड काउंटिंग से ही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ कैसे आपने करवाना है। ये ध्यान रखें पेरेंट्स कि इसकी उसको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर आप इतनी डिजिट का ही उसको प्रैक्टिस करवा देंगे तो फिर बड़ी से बड़ी डिजिट का भी वो डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चा इजी से कर लेगा, जैसे कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझाया था। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ इसका कुछ एग्जांपल लेके। जैसे हमारे पास डिजिट हैं, पहले मैं सिंगल डिजिट लेती हूँ, 7 5 9 3 8। अब इसका जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसमें आपको पहले बड़ी डिजिट लेनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस होता है कि आपको बड़ी डिजिट पहले लेनी है, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब इसमें 7 5 9 3 8 में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले 9 आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 9 है। पहले बच्चा 9 लिखेगा, इसको कट कर ले। केजी क्लास में सिंगल डिजिट का आता है तो बच्चे सिंगल या डबल डिजिट का आ सकता है, तो उसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं। 9 के बाद अब आप देखेंगे 7 है, 5 है, 3 है, 8 है, तो 9 के बाद क्या आया है, 8। बैकवर्ड काउंटिंग इसके लिए बच्चे को आनी ज़रूरी है, तभी बच्चा इसको कर पाएगा। 7 5 3, इसमें आएगा 7 5 एंड 3। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ डबल डिजिट में, जैसे कि 27 15 19 5 एंड 35। इसमें मैंने सबसे पहले आप बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि नंबर ऑफ़ डिजिट देख ले बच्चा, कौन से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने पहले वही डिजिट को लिखना है। इसमें अब जैसे 27 है, मतलब 2 डिजिट है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 1 है, इसमें भी 2 डिजिट है। ये 1 वाली डिजिट तो लास्ट में चली जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें अब आप फर्स्ट डिजिट बच्चे को बताएंगे। इसमें 2 है, 1 है, 1 है, 3 है। 2 1 1 3 में से इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आया है, 3। तो डिजिट कौन सी आएगी, 35। उसके बाद क्या आया है, 2 27। उसके बाद 1 है, इसमें भी 1 है, तो आप मैंने बताया था कि इसकी फिर आपको नेक्स्ट डिजिट बच्चे को बतानी है कि इन दोनों को कंपेयर ना करके, क्योंकि वो सेम है, आप नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, तो पहले हमारे पास क्या आता है, 9। तो पहले हम 19 लिखेंगे, फिर 15, और सिंगल डिजिट सबसे लास्ट में चली जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपका 100 प्लेस में, ये बच्चे को सेकंड क्लास में आकर इस प्लेस पे आते हैं हम। 736 521 931 640 एंड 95। इसमें भी मैंने 2 डिजिट का एग्जांपल मैं इसलिए ही ले देती हूँ कि आप बच्चों को पहले ही ये ज़रूर बताएं कि नंबर ऑफ़ डिजिट ज़रूर बच्चा देख ले, किस में सबसे ज़्यादा डिजिट है वो डिजिट पहले आएगी। अब ये 3 डिजिट हैं, इसमें इसमें 2 है, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। इसमें आप पहले देखेंगे 7 है, 5 है, 9 है, 6 है, ये तो लास्ट में आएगी। तो 7 5 9 6 में से 9 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 5 6 में से 7 वाला आ जाएगा, उसके बाद 5 और 6 में से 640 521 एंड 95। अब मैं आपको फोर्थ एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल लेकर जाती हूँ। इसमें 76 है, 253 5,941 6,423। इसमें मैंने लेवल डिजिट का बढ़ा दिया है, तो ये बच्चे को थर्ड क्लास में इस लेवल पर आता है बच्चा। आप आगे किसी भी क्लास में बच्चा चले जाए, अगर आप उसको सिर्फ इतना सा ये क्रम बता देंगे ना, तो बच्चे को कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। असेंडिंग ऑर्डर तो फिर भी बच्चे ईजिली कर लेते हैं, डिसेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। इसमें आप नंबर ऑफ़ डिजिट देखेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजिट किस में है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट वाले को आप पहले लेंगे, इसमें 5 को कंपेयर कीजिए 6 के साथ, तो कौन सा बड़ा हुआ, 6।
6, 4, 2, 3 ये वाली डिजिट पहले आएगी, उसके बाद ये आएगा 5, 9, 4, 1। फिर इन दोनों में कंपेयर करें, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला आ जाएगा 253 एंड 76 सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बच्चे को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करवाते हैं ये वाले सीक्वेंस से, तो बच्चे को कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे करना है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं आपको आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। बाय बाय।